Hello everyone. Now let's see Turing machine for a language. L is equal to a power n, b power n, c power n, such that n is greater than or equal to 1. A very popular question for Turing machine. तो इसके previously हम लोगों ने a power n, b power n, such that n is greater than or equal to 1 का Turing machine बनाया था. That is the basic. अब हम इसका देखने जा रहे हैं. ठीक है. Same logic apply करेंगे जो हम a power n, b power n का किया था. तो अगर आपने ए पावर एन बी पावर एन का नहीं देखा है वीडियो तो एक बार देख लीजिएगा, उससे और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी इस प्रॉब्लम की. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, बाय द वे फिर भी हम एक ओवरव्यू देता हूँ उसको, कैसे लॉजिक अप्लाई किया था. ए पावर एन बी पावर एन का अगर मैं लैंग्वेज इनोमरेट करूँ तो स्मॉलेस्ट लैंग्वेज जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग बनेगी वो एन की वैल्यू अगर मैंने वन किया तो ए बी सी बनेगा, एन की वैल्यू टू किया तो ए ए बी बी एन सी सी ऐसे बनेगा एंड सो ऑन, एन की वैल्यू बढ़ाते रहिएगा. तो अभी मैं छोटा सा स्ट्रिंग लेके चल रहा हूँ ए ए. क्यों मैं इसको ले रहा हूँ? क्योंकि इसमें डबल बी भी आएगा, यानी कि बी की रिपीटेशन भी दिख रही है, सी की भी रिपीटेशन दिख रही है, इसलिए और समझने में आसानी होगी. तो लॉजिक क्या है इसका, देखिएगा. ए ए ए बी बी, सॉरी ए ए बी बी सी सी, ये मेरी स्ट्रिंग है. लास्ट में एक ब्लैंक सिंबल होगा अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन. लॉजिक क्या होगा सिंपल इसमें, जैसे इनपुट सिंबल एक्स मिल ए मिलता है तो एक्स ए को एक्स से राइट कर देंगे, इनपुट सिंबल ए मिलेगा तो ए को ऐसे ही ए को रीड करके हम आगे बढ़ेंगे. ये राइट साइड है आपका, दिस इज राइट साइड और दिस इज लेफ्ट साइड. तो राइट में हम बढ़ते चले जाएंगे ऐसे ही, ए को ए छोड़कर हम राइट साइड में जाएंगे. फिर बी मिलेगा, बी को हम जस्ट वाई को मार्क कर देंगे, राइट कर देंगे. फिर राइट में मूव करेंगे, फिर बी को बी छोड़कर फिर सी पे जाएंगे. सी को जैसे जेड रिप्लेस करके, इम्पॉर्टेंट, सी को जेड से राइट करके सीधे यहीं से हम लेफ्ट में मूव कर जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे. मीन्स इसका मतलब ये हुआ, काउंटिंग हम कर रहे हैं, नंबर ऑफ ए फॉलोड बाई नंबर ऑफ बी फॉलोड बाई नंबर ऑफ ए फॉलोड बाई सेम नंबर ऑफ बी फॉलोड बाई सेम नंबर ऑफ सी. इसका मतलब हमने एक ए की काउंटिंग कर ली, बी की काउंटिंग कर ली और सी की काउंटिंग करके फिर हम पीछे जाएंगे और फिर ए की काउंटिंग करेंगे करस्पॉन्डिंग बी के लिए और सी के लिए, ऐसे ही करते चले जाएंगे. तो जैसे सी को जेड मार्क करके हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो उसे मुझे मिलेगा बी मिलेगा, बी को बी छोड़ देंगे, वाई को वाई छोड़ देंगे, ए को ए छोड़ देंगे. ये सारी ट्रांजिशन अभी ट्यूरिंग मशीन में बनाएंगे हम लोग, देखिएगा ध्यान से. जैसे उसे फर्स्ट एक्स मिलेगा फिर हम उसको राइट साइड में मूव करेंगे, राइट साइड में मूव करने के बाद उसे फर्स्ट ए मिलेगा, फिर ए को एक्स करेंगे, वाई को वाई छोड़ देंगे, बी को वाई करेंगे और फिर जेड को जेड छोड़ देंगे, सी को जेड करके फिर हम लेफ्ट साइड में मूव करेंगे. राइट, रास्ते में उसे जेड मिलेगा, जेड को जेड छोड़ देंगे, वाई को भी छोड़ देंगे और एक्स जैसे मिलेगा फिर एक्स के बाद फिर डिसीजन लेंगे कि एक्स के बाद राइट साइड अब देखेंगे कौन सी सिंबल है. अगर वाई मिला तो डायरेक्शन चेंज करके हम फाइनल स्टेट की तरफ मूव करेंगे, एक्सेप्टिंग स्टेट और हॉल्ट कर जाएंगे. और अगर नहीं मिलता तो आगे देखते हैं. हम इस डायग्राम को, ट्रांजिशन डायग्राम को बनाने के बाद एक वैलिड और इनवैलिड स्ट्रिंग को लेकर इसमें ट्रांस करेंगे. ठीक, इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे इसका, जैसे कि ए पावर एन बी पावर एन का हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन देखा था, इसी तरह इसका भी देखेंगे. तो पहले देखते हैं इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं. एक मेरा सिंबल है, एक स्पेस, यस. तो सपोज करिए मैंने स्टेट है क्यू नॉट से स्टार्ट हो रहा है. ठीक, बताइएगा सिंपल, वेरी इजी. इनपुट सिंपल ए मिला, ए को हम एक्स से रीड राइट कर देंगे. इधर देखिएगा, ए को हमने एक्स से राइट कर दिया और किधर जाएंगे, राइट साइड मूव करेंगे. इसको हम राइट है इधर और इस साइड लेफ्ट है. ठीक, राइट साइड मूव किया, क्या मिला उसे, ए मिला, है ना, ए मिला. तो हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे, स्टेट चेंज करके, और जैसे उसे ए मिलता है तो क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉजिक, ए को हम ए ऐसे ही छोड़ देंगे, नो ऑपरेशन, और राइट साइड में मूव करेंगे. इधर राइट साइड में मूव किया, अब मैं यहाँ पे आ गया, अगेन स्टेट चेंज किया क्योंकि प्रॉपर्टीज की चेंज हो रही है हर स्टेट पे. बी मिलता है क्या करना चाहिए बताइए, जैसे इनपुट बी मिलता है तो हमने यहाँ पे क्या किया था, बी को वाई किया था. इनपुट सिंबल बी मिलता है, बी को हम वाई कर देंगे और इस साइड राइट हैंड साइड मूव किया. तो राइट हैंड साइड मूव करने के बाद स्टेट चेंज हुआ, फिर मैं आ गया क्यू टू पर, फिर यहाँ पे वाई हो चुका है, फिर बी मिलता, और भी बी मिल सकते थे,
इसीलिए हमने लूप चलाया, क्योंकि यहाँ पे और भी AAA AAA BBB CCC होता तो ये लूप काम करेगा, ठीक, इसीलिए लूप चलाया। सिमिलरली बी भी बहुत सारे हो सकते थे, तो बी के लिए भी हम लूप चला रहे हैं। अगर उसे बी मिलता है तो बी को ऐसे ही बी रीड करके राइट साइड में मूव करेंगे। मूव करने के बाद कहाँ जाएंगे, जैसे उसे फर्स्ट सी मिलता है, सी को हम क्या करेंगे, जेड से राइट कर देंगे। सी से हम जेड को राइट कर दिया, और क्या करेंगे, यहीं से हम सीधे लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट में मूव कर गए। अब मुझे ध्यान से बताइएगा, स्टेट पे पहुंच गए Q3 पे। नाउ टेल मी, इधर से अब मुझे कहाँ जाना है, अकॉर्डिंग टू लॉजिक मुझे एक्स तक जाना है। फर्स्ट एक्स मिलते ही फिर मुझे डिसाइड करना होगा कि मैं क्या करूँ आगे। तो अब जेड से जब ये बैक हुआ, मीन्स लेफ्ट साइड जा रहा है, तो उसे कौन कौन सिंबल दिख रहे हैं आपको, एक तो दिख रहा है बी। जैसे उसे बी मिलता है, कितनों भी बी मिलेगा, बी को ऐसे ही बी रीड करके और फिर लेफ्ट साइड में मूव करेगा। फिर उसे क्या मिला, वाई मिला, वाई को फिर ये वाई को वैसे ही वाई रहने देगा और लेफ्ट साइड में ऐसे मूव करेगा। उसके बाद क्या मिला, ए मिला, ए को फिर ए को ऐसे ही ए छोड़ दिया और लेफ्ट साइड में मूव करेगा। उसके बाद उसे क्या मिला, एक्स। नाउ जैसे उसे एक्स मिलता है, अब मुझे फिर ये प्रोसेस फिर स्टार्ट करनी पड़ेगी, अगर और सिंबल बच रहे हैं तो हम क्या करते हैं, फिर इसको स्टार्ट करने के लिए फिर हम क्यू नॉट वाले इनिशियल स्टेट पे आ गए। कैसे बोलेंगे, अगर इसको इनपुट सिंबल एक्स मिल जाता है तो हम एक्स को एक्स ऐसे ही छोड़ देंगे और राइट साइड जाकर देखेंगे कि कोई और सिंबल मिला बचा है क्या। इसके अकॉर्डिंग बचा हुआ है, ए मिला हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, फिर ए मिला, तो अब हम इस रूल के अकॉर्डिंग फिर हम ए को एक्स से राइट कर देंगे और हम Q1 पे पहुंच जाएंगे। Q1 पे पहुंचने के बाद देखिएगा ध्यान से, Q1 पे पहुंच गए, उसे क्या मिला, वाई मिला। वाई का ट्रांजिशन मैंने नहीं लिखा है तो यहीं पे लिख देता हूँ, वाई को वाई छोड़ के हम राइट साइड में मूव करेंगे। यही तो लॉजिक था, वाई को वाई छोड़ के राइट साइड में मूव किया। फिर उसे फर्स्ट बी मिला, जैसे उसे बी मिला तो इस रूल के अकॉर्डिंग बी को वाई कर देंगे, बी को वाई करके फिर हम आगे बढ़ेंगे Q2 पे। Q2 पे जाने के बाद बताइए क्या मिलेगा, और भी जेड मिलेगा, तो जेड अगर मिलता है तो जेड को कुछ प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे केवल रीड करके राइट साइड में मूव करेंगे। जैसे मूव करेंगे तुरंत सी मिला, जैसे फर्स्ट सी मिलता सी को हमने जेड करके तुरंत हम लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। लेफ्ट साइड में मूव करने के बाद अब ध्यान से बताइएगा कि अब कौन कौन सिंबल उसे मिल रहा है रास्ते में, कौन कौन सा मिल रहा है। देखिएगा यहीं पे सी को जेड किया, फिर इधर पीछे आया तो क्या मिला उसे, जेड। अब हमने जेड का ट्रांजिशन कुछ नहीं किया है, तो जेड मिलता है तो जेड को ऐसे ही छोड़ के लेफ्ट साइड में मूव किया, जेड भी हो गया। वाई मिला तो वाई के लिए ट्रांजिशन ऑलरेडी हो चुका है, वाई मिला वाई के लिए भी ट्रांजिशन हो चुका है। एक्स मिला, एक्स के लिए ट्रांजिशन, क्योंकि मुझे फर्स्ट एक्स चाहिए, इधर नहीं जाना, क्योंकि फर्स्ट एक्स में मिल गया, अब बस यहीं पे हम इधर आ गए। इनपुट सिंबल एक्स मिला, एक्स को एक्स छोड़कर राइट साइड में गए, हम क्यू नॉट पे पहुंच चुके हैं। क्लियर, क्यू नॉट पे पहुंचने के बाद अब मुझे फिर चेक करना है कि क्या कोई और भी सिंबल करस्पॉन्डिंग ए सिंबल बचा क्या। अगर ए मिला है तब तो मैं इसी पाथ को फॉलो करता और वैलिड स्ट्रिंग होती तो डेफिनेटली वो यहीं तक आता, फिर अगर इनवैलिड होगी तो किसी Q1 या Q2 या Q3 पे होल्ड कर जाएगा और रिजेक्ट कर देगा। अभी हम आगे एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं। इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे पहुंच चुका है लेकिन इनपुट सिंबल, अगला इनपुट सिंबल क्या मिला उसे, वाई मिला। वाई मिलते ही मुझे यहाँ पे रूट चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, जैसे मैं Q0 पे हूँ और इनपुट सिंबल वाई मिलता है तो वाई को वाई छोड़ देंगे ऐसे ही। वाई को वाई छोड़ के किस साइड जाएंगे बताइए, आगे राइट साइड में मूव करेंगे। तो वाई को वाई स्टोरी क्यों हो रही है, माय गॉड ये बंद कैसे हो गया, जस्ट अ मिनट, माय गॉड व्हाट इज दिस, ओके सॉरी, हाँ ठीक है, यस। तो जैसे उसे क्या मिला, जैसे उसे वाई मिला तो वाई को ये वाई छोड़ देंगे और राइट साइड में मूव करेंगे। मूव करने के बाद बताइए क्या मिला, और भी वाई मिल सकता था, अगर 3B होता 4B होते तो और भी मिलते, तो हम इसको अलग अलग बनाने से अच्छा एक लूप में रख लेते हैं। वाई मिलता है तो वाई को वाई छोड़ के हम राइट साइड में फिर मूव करेंगे, क्या मिलेगा बताइए, वाई और भी वाई वाई कंप्लीट हो गया, फिर क्या मिलेगा उसे, जेड। जेड मिला तो जेड के लिए अलग स्टेट बनाने से अच्छा इसी स्टेट में ही कवर कर दीजिए,
जेड को जेड छोड़कर हम राइट साइड में मूव कर जाएंगे। मूव करते करते उसे क्या मिलेगा, जेड 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 मूव करके बी मिलेगा। जैसे उसे बी मिलेगा ब्लैंक सिंबल मिलेगा, हम ब्लैंक को ब्लैंक छोड़कर हम सीधे राइट साइड गए, इसका मतलब आप यहाँ पे जाके स्टे करेंगे। लेफ्ट साइड गए, इसका मतलब आप यहाँ पे जाके स्टे करेंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चाहें तो इधर उधर भी जा सकते हैं, सीधे स्टार्टिंग पोजिशन पे भी जा सकते हैं, बट यहाँ पे आप लेफ्ट लिख देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट भी जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेफ्ट आके हम यहीं पे स्टे कर गए। ये दिस इज द माई फाइनल स्टेट। अगर ये हॉल्टिंग स्टेट, फाइनल प्लस एक्सेप्टिंग स्टेट, राइट। अच्छा, ये हमारे फाइनल स्टेट पे आ गए, इसका नाम दे देते हैं क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू थ्री, क्यू फोर एंड क्यू फाइव। नाउ लिसन केयरफुली। हाँ, अब मेरे पास कोई ट्रांजिशन बचा नहीं। चलिए अब एक काम करते हैं, एक स्ट्रिंग लेते हैं और उसे चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि क्या वैलिड है कि नहीं। कैसे होगा, इसे और क्लियर हो जाएगा, एक बार देखिएगा। एक वैलिड स्ट्रिंग को लेते हैं, एक इनवैलिड स्ट्रिंग को लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैंने लिया सिंपल ए ए बी बी सी सी, वही सेम ले रहा हूँ बट एक बार और क्लियर हो जाएगा। अब मैं रूल नंबर भी लिखते जा रहा हूँ साथ साथ में। इसको मान लीजिए हमने रूल नंबर दिया वन, रूल नंबर वन, कलर चेंज करता हूँ, रूल नंबर वन, ये हो गया रूल नंबर वन। इसको मैं मान लेता हूँ रूल नंबर टू, रूल नंबर थ्री, ये रूल नंबर फोर, रूल नंबर फाइव, रूल नंबर सिक्स, रूल नंबर सेवन, रूल नंबर एट, रूल नंबर नाइन, रूल नंबर टेन, और ये क्या हो गया, ओके कोई बात नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था, कोई सीक्वेंस मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे नंबरिंग का। 11 के बाद ये 12 इसको दे देता हूँ, और यहाँ पे 13 हो गया, इसको 14 बोल देता हूँ, इसको 15 बोल देता हूँ, और यहाँ 16। अभी देखिएगा ध्यान से, समझ में आ जाएगा। अब बताइएगा, इनपुट सिंबल ए मिला, क्यू नॉट पे हूँ, रूल नंबर वन के अकॉर्डिंग इसको एक्स कर देंगे, और ये रूल इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन में भी समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। वैसे इस रूल नंबर नंबर का नंबरिंग करना कोई कंपलसरी नहीं है, सिंपली समझने के लिए मैंने दिया हुआ। इनपुट सिंबल ए मिला, क्यू नॉट पे हूँ, रूल नंबर वन के अकॉर्डिंग इसको एक्स कर दिया, क्यू वन पे आ गए, क्यू वन पे हूँ, इनपुट सिंबल ए मिला, रूल नंबर टू के अकॉर्डिंग ए को ऐसे ही ए छोड़ देंगे, सीधे इस पे आ गए बी पे। हाँ, बी पे आ गए, अभी मैं किस पे हूँ, अभी क्यू वन पे ही हूँ क्योंकि अभी लूप चला है। क्यू वन पे हूँ, इनपुट सिंबल बी मिला, तो बी को हमने वाई कर दिया, रूल नंबर किसके अकॉर्डिंग, फोर के अकॉर्डिंग, बी को वाई करके हम सीधे आगे बढ़े। आगे जाने के बाद फिर मैं क्यू टू पे आ चुका हूँ क्योंकि बी को वाई करके राइट में गया, मीन्स क्यू टू पे आ गया। क्यू टू पे जाने के बाद इनपुट सिंबल बी मिला, रूल नंबर फाइव के अकॉर्डिंग बी को बी छोड़ दिया ऐसे ही, और हम चले गए सी पे। अभी मैं क्यू टू पे ही हूँ क्योंकि लूप चल रहा था। क्यू टू पे हूँ, इनपुट सिंबल सी मिला, सी को हमने जेड कर दिया, तो जेड करके लेफ्ट साइड में, सुनिएगा ध्यान से, लेफ्ट साइड में मैं मूव कर रहा हूँ, दिस इज राइट डायरेक्शन एंड दिस इज लेफ्ट डायरेक्शन। लेफ्ट में मूव करते समय क्या मिला रास्ते में, उसे बी मिला, बी को बी छोड़ दिया, देखिएगा रूल नंबर सेवन के अकॉर्डिंग हम पीछे आ गए। वाई मिला, वाई को वाई छोड़ दिया, रूल नंबर एट के अकॉर्डिंग वाई को वाई छोड़ के लेफ्ट साइड में मूव कर गए। फिर उसे क्या मिला, ए मिला, ए को ए छोड़ के लेफ्ट साइड में रूल नंबर नाइन के अकॉर्डिंग हमने इसको छोड़कर सीधे हम इधर आ गए, इधर लेफ्ट साइड में मूव किया। मूव करने के बाद उसे क्या मिला, एक्स मिला, रूल नंबर बताइए, रूल नंबर 12 के अकॉर्डिंग एक्स को एक्स छोड़कर हम राइट साइड में मूव करेंगे। इसका मतलब हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब और मैं क्यू नॉट पे हूँ, क्यू नॉट पे हूँ, इनपुट सिंबल ए मिलता है, तो फिर रूल नंबर वन के अकॉर्डिंग, फिर ये काम रिपीट हो रहा है क्योंकि देखिएगा ए बी सी की राइटिंग हो चुकी है क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग मैचिंग हो चुकी है। अब मुझे इस ए का देखना है, तो अगर ये वैलिड स्ट्रिंग होगा तो डेफिनेटली सक्सेसफुल ये पूरा पाथ फॉलो करेगा, अगर नहीं हुआ तो बीच में हॉल्ट कर जाएगा, बट अभी ये तो वैलिड है तो ये पूरा फिर वापस आएगा यहाँ पे, देखते हैं कैसे। फिर रूल नंबर वन के अकॉर्डिंग ए को हमने एक्स कर दिया, एक्स करने के बाद फिर हम क्यू वन पे आ गए, जैसे उसे वाई मिला तो रूल नंबर थ्री के अकॉर्डिंग हम वाई को वाई छोड़कर आगे बढ़े। नेक्स्ट टाइम बी मिला, बी रूल नंबर क्यू वन पे हूँ, रूल फोर के अकॉर्डिंग बी को हमने वाई कर दिया, वाई करके कहाँ पहुँच गए, क्यू टू पे पहुँच गए, क्यू टू पे पहुँचे क्या मिला, जेड मिला, रूल नंबर सिक्स के अकॉर्डिंग हमने जेड को जेड छोड़कर आगे राइट साइड बढ़े, क्या मिला मुझे, सी, रूल नंबर 11 के अकॉर्डिंग सी मिला, सी को हमने जेड किया और फिर तुरंत लेफ्ट साइड में मूव कर गए। बताइए रास्ते में क्या मिलेगा उसे, जेड मिलेगा, यस, रूल नंबर 10 के अकॉर्डिंग जेड को जेड छोड़कर फिर पीछे आए, वाई मिला, रूल नंबर 8 के अकॉर्डिंग वाई को वाई छोड़कर फिर लेफ्ट साइड आए,
फिर उसे वाई मिला, वाई को वाई छोड़कर लेफ्ट साइड आए रूल नंबर 8 के अकॉर्डिंग, फिर उसे फर्स्ट एक्स मिला। जैसे उसे x मिला तो रूल नंबर 12 के अकॉर्डिंग, सुनिएगा ध्यान से, x के रूल नंबर 12 के अकॉर्डिंग x को x छोड़कर फिर मैं राइट साइड में आ गया, मींस मैं यहां पे हूं अभी क्यू नॉट पे, क्यू नॉट पे हूं, इनपुट सिंबल y मिलता है, क्यू नॉट पे हूं, इनपुट सिंबल y मिलता है। इस रास्ते के लिए कोई हमारा फंक्शन ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसीलिए हम इस डायरेक्शन में आएंगे, इसका मतलब हम फाइनल स्टेट की तरफ मूव कर रहे हैं। इनपुट सिंबल वाई मिला, वाई को वाई छोड़कर राइट साइड में जाएंगे, रूल नंबर 13 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आ गए। नाउ फिर अगेन वाई मिला, वाई को वाई छोड़कर फिर हम Q4 पे ही रहेंगे, रूल नंबर 14 के अकॉर्डिंग। फिर मुझे जेड मिला, रूल नंबर 15 के अकॉर्डिंग जेड को जेड छोड़कर राइट साइड में गए, फिर यहाँ पे पहुँच गए और Q4 पर ही हूँ अभी, ठीक। फिर Q4 पर हूँ, इनपुट सिंबल जेड मिलता है, रूल नंबर 15 के अकॉर्डिंग जेड को जेड छोड़कर राइट साइड में मूव किया। आगे जाकर उसे क्या मिला, राइट साइड मूव करने के बाद ब्लैंक मिला। जैसे ब्लैंक मिलता है तो ब्लैंक को ब्लैंक छोड़कर लेफ्ट साइड आकर यहाँ पे स्टे कर गए और हम कहाँ पे आ चुके हैं, फाइनल स्टेट पे। इट मीन्स दिस इज एक्सेप्टिंग स्टेट, इट मीन्स दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टिंग बाय दिस ट्यूरिंग मशीन। नाउ अब क्या करते हैं, एक छोटा सा स्ट्रिंग लेते हैं जो कि इनवैलिड स्ट्रिंग हो और तब देखते हैं कि कहाँ पर जाके हॉल्ट करता है। ध्यान दीजिएगा इसमें, इसको मैं इरेज कर दूँ, ठीक है। डू वन थिंग, एक ही इसी वीडियो को फिर एक बार 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 देखिए, दो बार देखिए, समझ में आ जाएगा। ये इजी टॉपिक है, कोई टफ टॉपिक नहीं है। चलिए एक छोटा सा स्ट्रिंग और लेते हैं, वैलिड स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल हमने लिया ए ए बी सी, दिस स्ट्रिंग इज नॉट बिलोंग्स टू दिस लैंग्वेज, राइट। इसका मतलब इसको रिजेक्ट करना होगा और कैसे कर रहा है, सुनिएगा ध्यान से, एक बार और सुन लीजिए। इनपुट सिंबल ए मिला, ए को एक्स कर दिया, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग एक्स कर दिया। फिर हम आगे बढ़े, Q1 पे आ गए, Q1 पे हूँ, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग A को A छोड़ दिया ऐसे ही। फिर हम कहाँ चले गए, Q1 पर ही हूँ क्योंकि लूप पर चला था। Q1 पे हूँ, इनपुट सिंबल B मिला, B को हमने Y किया, Y करके राइट साइड गए, Q2 पर आ चुके हैं। Q2 पे आने के बाद इनपुट सिंबल क्या मिला, C मिला, रूल नंबर 11 के अकॉर्डिंग हमने Z कर दिया और हम फिर लेफ्ट साइड में आए। लेफ्ट साइड में आए तो कहाँ गए, रूल नंबर 8 के अकॉर्डिंग वाई को वाई छोड़कर लेफ्ट साइड में आए और पीछे आए। फिर मुझे क्या मिला, ए मिला, रूल नंबर 9 के अकॉर्डिंग ए को ए छोड़कर फिर लेफ्ट साइड में आए। अब हम यहाँ पे आ गए, अब क्या हुआ, फिर अभी Q3 पे हूँ ना, Q3 पे हूँ, इनपुट सिंबल एक्स मिला, रूल नंबर 12 के अकॉर्डिंग एक्स को एक्स छोड़कर हम सीधे राइट साइड जाएंगे। सुनना बेटा, राइट साइड जाने के बाद उसे क्या मिला, अभी मैं क्यू नॉट पे हूँ, इनपुट सिंबल ए मिलता है, क्यू नॉट पे हूँ, इनपुट सिंबल ए मिला, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमने इसको एक्स कर दिया, करेक्ट। एक्स करके कहाँ पहुँच गए, Q1 पे पहुँच गए। Q1 पे पहुँचने के बाद उसे क्या मिला, Q1 पे हूँ, एक्स कर दिया और कहाँ पहुँच गए, राइट साइड, मतलब अब मैं इस पर रीड करने जा रहा हूँ। Q1 पे हूँ, इनपुट सिंबल वाई मिला, वाई को वाई छोड़कर राइट साइड में मूव कर गए और किस स्टेट पे हूँ अभी, बताइएगा, Q1 पे हूँ। किस पे हूँ, Q1 पे हूँ, एक बार और, Q1 पे हूँ, इनपुट सिंबल वाई मिला, वाई को वाई छोड़कर राइट साइड में जब गए तो हम तो चले गए जेड पर, बट स्टेट कौन सा है, Q1 ही है क्योंकि अभी सेल्फ लूप है, Q1 है। Q1 पर हूँ, इनपुट सिंबल जेड मिला, Q1 पे हूँ, इनपुट सिंबल जेड मिला, Q1 पर हूँ, इनपुट सिंबल जेड मिला। देखिएगा कहीं भी ट्रांजिशन डिफाइंड नहीं है, 2, 3, 4 कोई भी ट्रांजिशन डिफाइंड नहीं है इस मूवमेंट के लिए, यानी कि Q1 पे हूँ, इनपुट सिंबल जेड के लिए कोई ट्रांजिशन डिफाइन नहीं है। इसका मतलब यहीं पर सिस्टम हॉल्ट कर जाएगा, हॉल्ट कर जाएगा मतलब कि यहाँ पे हॉल्टिंग प्लस रिजेक्शन, ठीक, हॉल्ट कर जाएगा मतलब पॉजिटिव निगेटिव दोनों होते हैं। हॉल्ट यहाँ भी हो रहा था बट एक्सेप्टिंग स्टेट था, ये भी हॉल्ट हो रहा था बट रिजेक्टिंग स्टेट है, यानी कि Q1 पे आके हॉल्ट कर जाएगा। और ये हॉल्टिंग स्टेट जो है फाइनल स्टेट नहीं है, इसका मतलब दिस स्ट्रिंग विल बी रिजेक्टेड बाय दिस ट्यूरिंग मशीन, सिंपल। तो अगर आप कोई भी इनवैलिड स्ट्रिंग लेंगे तो ये इनवैलिड स्ट्रिंग ये फाइनल नॉन फाइनल स्टेट पे आके वो हॉल्ट कर जाएगा, इनवैलिड स्ट्रिंग, और वैलिड स्ट्रिंग हमेशा फाइनल स्टेट की तरफ जाकर हॉल्ट करेगा, ठीक। ये सिंपल, तो ए पावर एन बी पावर एन सी पावर एन का ट्यूरिंग मशीन था ये, वेरी इजी। इसके पहले सजेशन ये कि ए पावर एन बी पावर एन का भी ट्यूरिंग मशीन देख लीजिएगा, जिससे और क्लियर हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं उसका इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन कैसे करते हैं।
इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन के लिए भी हमने पीडीए ट्यूरिंग मशीन के अंदर ए पावर एन बी पावर एन का इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन कर चुके हैं, तो एक बार उसको देख लीजिएगा, फिर हम यहाँ पे भी इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन कर लेंगे, ठीक, यानी दिखा लेंगे। और इसका ट्रांजिशन फंक्शन तो और लीजिए, जो कि हमने ए पावर एन बी पावर एन पर कर लिया हुआ। तो इसके प्रीवियसली में हमने क्या क्या किया है, ए पावर एन बी पावर एन का ट्रांजिशन टेबल बनाया है, ट्रांजिशन डायग्राम बनाया है, ट्रांजिशन टेबल भी बना चुका हूँ, ट्रांजिशन फंक्शन भी बना चुका हूँ, इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन भी बना चुका हूँ, इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन भी बना चुका हूँ, ठीक है। तो एक बार ये चारों पॉइंट ए पावर एन बी पावर एन के लिए देख लीजिएगा। अच्छा, एक और चीज़, विजुअलाइजेशन भी कर चुके हैं आई थिंक, एक बार वीडियो में देख लीजिएगा। विजुअलाइजेशन मतलब हमने एक जे फ्लैप सॉफ्टवेयर के अंदर ट्यूरिंग मशीन का विजुअलाइजेशन भी किया हुआ, तो आप उससे भी आइडिया लग जाएगा कैसे बनते हैं, आप कैसे चेक कर सकते हैं आंसर, ठीक है। ओके, तो दिस इज समथिंग अबाउट दिस लैंग्वेज। ओके, इफ एनी डाउट प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।